Very good morning, students. I am your teacher. Today I will teach you communication skill. बच्चों आज हम communication skills पढ़ेंगे. English में हम कैसे हमें बात करनी चाहिए उसके कुछ sentence मैं आज आपको सिखाऊंगी. तो आप उन sentence को अपनी notebook में note करेंगे और उन्हें आप घर पर बोलने की practice करेंगे. ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कम्युनिकेशन. फर्स्ट सेंटेंस है देखिए, डोंट आस्क. इसका मतलब होता है बच्चों मत पूछिए. जैसे कोई आपसे कुछ पूछता और आप कहते ना भाई मत पूछो, तो इंग्लिश में हम कैसे बात करेंगे? डोंट आस्क, मत पूछिए. ओके सेकेंड है, हमें किसी से बच्चों कहना है शांत रहिए. जैसे घर में बहुत शोर मचा रहे हैं, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो और आपको शांति चाहिए, आप चाहते हो सब शांत हो जाएं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? शांत रहिए. तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे बच्चों? कीप क्वाइट. तो कैसे कहोगे आप? कीप क्वाइट, शांत रहिए. तो अब आप इसी तरह से इंग्लिश में बात करेंगे. अगर आपके घर में शोर होता है, छोटे आपके और छोटे बहन हैं भाई हैं, अगर वो शोर मचाते हैं तो आप कहना कीप क्वाइट, शांत रहिए. थर्ड है थिंक अबाउट इट. इसका मतलब होता है बच्चों इसके बारे में सोचें. जैसे हम किससे सोचते हैं ना, तो कहते हैं ना अरे भाई इसके बारे में भी ज़रा सोच लो कि क्या करना है. तो थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें. फोर्थ ट्राई अगेन, पुनः कोशिश करें. बच्चों जैसे हम कोई काम करते हैं और वो काम हमसे नहीं होता तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कोई बात नहीं दोबारा करो, कहते हैं कि दोबारा कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, अब हो जाएगा. तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ट्राई अगेन. ओके जैसे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप अच्छा लिखना चाहते हो लेकिन आपसे अभी राइटिंग आपकी अच्छी नहीं आ रही है, तो पेरेंट्स कहते हैं ना, मम्मी कहती हैं कोई बात नहीं दोबारा लिखो, तो उसे कहेंगे ट्राई अगेन, पुनः कोशिश करें यानी दोबारा कोशिश करो. डोंट गो, मत जाइए. मान लीजिए आपकी नानी आपके घर आई हुई हैं और नानी अपने घर वापस जा रही हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, नानी आप चाहते हो नानी कुछ दिन और रुक जाए आपके पास, तो आप क्या कहोगे? डोंट गो, मत जाइए यानी अभी और रुक जाओ. अगर आप किसी को जाने नहीं देना चाहते तो आप उनसे क्या कहोगे? डोंट गो. ओके सिक्स क्लीन इट, इसे साफ करिए. जैसे कुछ खा रहे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी गंदगी हो जाती है, तो मम्मी आपसे कहती है ना चलो इसकी सफाई करो, साफ करो, इसे आपने गंदा किया है, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसे? क्लीन इट, इसे साफ करिए. ओके तो आप भी कैसे कहोगे? क्लीन इट. सेवन है हैव वाटर, पानी लीजिए. बच्चों अब गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में हमारे यहाँ जैसे बाहर से मान लीजिए बड़ी दीदी आ रही हैं, आपके भाई हैं, मम्मी हैं या पापा आते हैं जॉब से घर पर, तो गर्मी लगती है, गर्मी में सबको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप जब पानी दोगे तो आप क्या कहोगे? हम कहते हैं ना पानी लीजिए, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? हैव वाटर. तब पापा जब आपके आएंगे तो आप पापा को पानी देना और आप इंग्लिश में उनसे कहना हैव वाटर. इसका मतलब क्या हुआ? पानी लीजिए. ओके या आपकी मम्मा बाहर से आती हैं, कई मार्केट जाती हैं, थक जाती हैं धूप में, तो आप पानी दोगे तो क्या कहोगे? हैव वाटर. एट है प्लीज सिट. बच्चों हमारे यहाँ कोई आता है तो हम कहते हैं ना बैठिए, प्लीज सिट, कृपया बैठिए, तो आप उनसे क्या कहोगे? प्लीज सिट यानी कृपया बैठिए. जब हम किसी को बैठने के लिए कहते हैं बच्चों तो हम कैसे कहेंगे उन्हें? प्लीज सिट.
तो आप भी इसी तरह से बातें करना जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या कोई आपकी बराबर वाली आंटी भी आती हैं, कोई बड़े भैया आते हैं या उनके फ्रेंड हैं, दीदी हैं, तो आप उनसे बैठने के लिए कहना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? प्लीज़ सिट, कृपया बैठिए। आप अपने मम्मा को भी कह सकते हो, मम्मा आपके पास, आप मम्मा को अपने पास बिठाना चाहते हो तो आप मम्मा से कहना, मम्मा प्लीज सिट। 9, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बच्चों जब हमसे कोई मिलने आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी होती है, तो उनसे हम क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? नाइस टू मीट यू, ओके, यही बोलना है आपको। 10, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करें। ओ, आपका टीवी में कार्टून चल रहा है और कार्टून में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आपका छोटा भाई या आपकी बड़ी दीदी हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपसे बातें कर रही हैं, आप बातें करके आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आप उनसे बातें करना नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे? स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो कार्टून। तो तब जब कोई ज़्यादा बातें करता है और हमें डिस्टर्ब होता है तो हम क्या कहते हैं? स्टॉप टॉकिंग, यानी बात करना बंद कर दें, ओके। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? छोटे छोटे सेंटेंस इंग्लिश के जो हम डेली बोल सकते हैं वो हमने सेंटेंस सीखे। तो ये सेंटेंस आपको डेली आप अपने घर में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जो सेंटेंस आप अपने घर में बोल सकते हैं आप उन्हें डेली बोलेंगे, ओके। तो इससे क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी और आप धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस बोलना सीख जाओगे और इस तरह से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।